नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने टू क्लास में स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम आपको प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बताएंगे, जो कि अधिकतर सभी परीक्षाओं में अगर दिवस से आ रहा है क्वेश्चन तो वहाँ पर जरूर आता है। तो जो क्वेश्चन हमने यानी जो पॉइंट अटेंड किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं जनवरी के महीने में कौन से दिवस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे हम बढ़ें तो फरवरी के महीने में कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हैं, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए मार्च के महीने में 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और 27 मार्च को विश्व थिएटर दिवस या फिर विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल के महीने में 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस। अब आते हैं हम आगे मई के महीने में, तो मई के महीने में हम देख रहे हैं कि 1 मई विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है यानी मजदूर दिवस, 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 12 मई को विश्व नर्स दिवस और 15 मई को विश्व परिवार दिवस और 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। ये तो हो गए मई के। अब आगे देखिए जून के, जो जून के दिवस हैं, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस आदि मनाया जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जुलाई के महीने में कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस और जो है चिकित्सक दिवस, ये दोनों 1 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगस्त के महीने में 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, अगस्त का महीना हो गया, सितंबर के महीने में 1 सितंबर शिक्षक दिवस, 1 सितंबर शिक्षक दिवस गलत है, तो यहाँ पर 5 सितंबर होगा, कितना होगा, 5 सितंबर, 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं अक्टूबर के महीने में, तो देखिए अक्टूबर के महीने में तो 2 अक्टूबर गांधी जयंती या फिर लाल बहादुर शास्त्री जयंती ये मनाया जाता है, या अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, कब, 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है,
9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को, ठीक है, 1995। तो ये अक्टूबर महीने का दिवस हो गया। आगे हम बढ़ते हैं नवंबर के महीने में, देखिए 9 नवंबर विश्व सेवा दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस और जो है विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, 19 नवंबर को विश्व नागरिक या फिर विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं दिसंबर के महीने में, तो दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सभी जितने थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनमें भी जो खासकर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर और 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और 23 दिसंबर किसान दिवस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद 26 नवंबर जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और नवंबर के महीने में 14 जो नवंबर होता है यानी बाल दिवस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो है यहाँ पर क्वेश्चन 9 अक्टूबर जो होता है विश्व डाक दिवस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और उसके बाद जो है 1 सितंबर जो है गलत है, यहाँ पर 5 सितंबर होगा, तो 5 सितंबर जो होता है शिक्षक दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 14 सितंबर हिंदी दिवस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 27 सितंबर जो है विश्व पर्यटन दिवस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगस्त के महीने में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस ये सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो 29 अगस्त है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 1 जुलाई जो होता है चिकित्सक दिवस या भारतीय स्टेट बैंक दिवस, इसलिए महत्वपूर्ण है। और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, ये ही भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम बात करें जनवरी के महीने में, तो जनवरी के महीने में 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गणतंत्र दिवस लगभग सभी को पता होता है। 30 जनवरी जो है शहीदी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। फरवरी में देखें तो 4 फरवरी इम्पोर्टेंट है, 21 फरवरी भी और 28 फरवरी, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। मार्च में देखें तो 8 मार्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 22 मार्च भी है, 23 मार्च भी है, और यहाँ पर जो है मार्च के महीने में यही है। और अप्रैल के महीने में इम्पोर्टेंट की संख्या जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, यानी 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। ये मई के महीने में 1 मई इम्पोर्टेंट है, विश्व श्रमिक दिवस, और उसके बाद जो है 12 मई जो है विश्व नर्स दिवस, और जो है जून के महीने में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, और जो है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है दिवस थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जो कि अधिकतर जो है यहीं से क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जामों में, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।